हे एवरी वन मैं शालिनी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे तो शुरुआत से डांस सिखाने की सीरीज का ये बारहवा भाग है पिछले दो भाग में दसवें और ग्यारहवा भाग में कमर चलाना आपको सिखा चुकी हूँ तो आज एक और तरीके की कमर चलाना मैं सिखाऊंगी कि पैर के साथ आप कैसे आप कमर चला सकते हैं जैसे आप आगे पीछे पैर कर रहे हैं तो उसके साथ कैसे कमर चला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल कमर कैसे हिलाते हैं ये ये ऐसे बताया था ओके okay? दूसरा आपको बाहर को कमर कैसे निकालनी है उसके दूसरे वाले भाग में ये बताया था आज अगर आप आगे पीछे पैर करते हैं तो उसके साथ कमर कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो आगे पीछे पैर जो मैं ये इस सीरीज का जो मेरा फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको ये पैर चलाने सिखाए हैं तो उसी के साथ आप कमर कैसे निकालेंगे ओके और इसमें बहुत अच्छी कमर निकलती है इस वाले जो पैर के स्टैप है ना इसमें बहुत अच्छी कमर निकलती है तो सबसे पहले तो आप पैर के स्टैप करेंगे वन टू थ्री फोर राइट राइट ठीक है राइट और लेफ्ट अपनी जगह पे है फिर राइट right पीछे राइट right आगे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट वाला खाली अपनी जगह पे ही ऐसा होगा ओके okay, अभी तो मैं आप कमर नहीं चल रही देखिए आप देख रहे हैं नॉर्मल पर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है खाली आप स्टेप करेंगे और नॉर्मल लगेगा अब आप इस स्टेप के साथ अगर कमर निकालेंगे अब देखिए ये देखिए ये थोड़ी लहराने वाली जैसे सॉन्ग सॉन्ग ले एक पिक करती है है ऊंची नीची डगरिया पतली मोरी देखे ना तो ये लगे उसमें। तो ये ये वाला स्टेप लगेगा उसमें कैसे चलानी है अब आप देखिए पैर तो मैं आपको बता दिया पहले तो सबसे पहले पैर की प्रैक्टिस करेगी जब तो पैर नहीं चलेगा तो कमर भी इम्पॉसिबल है चलना बहुत बेसिक है बहुत इजी स्टेप है बस आप देखिए और सीखिए और प्रैक्टिस करिए आपको आ जाएगा ओके okay, पहले आप पैर चलाएंगे आप अभी मेरे साथ पैर चलाइए चलिए खड़े हो जाइए पैर चलाइए सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है साथ में करना भी है जब जैसा मैं बताते जा रही हूँ आप करते रहिए मेरे साथ बैठे हैं तो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे चलिए साथ में करेंगे ओके आपने पैर सीख लिया है ना रुक जाइए अब हम निकालेंगे कमर अब जब मैं पैर कर रही हूँ तो अभी तो मैंने नॉर्मल पैर करा ठीक है इसमें हमारी कमर नहीं निकलेगी निकले निकल ही नहीं सकती है अब हम पैर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे वन टू अब फर्क क्या है ये देखिए पहले हम नॉर्मल पैर हिला रहे थे बॉडी को रिलैक्स रखिए ओके okay? और स्लो मोशन में मैं करके दिखा रही हूँ मेरे साथ करिए पैर उठाइए थोड़ा तिरछा जाएगा और मैं सीधी खड़ी हूँ पर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टर्न हो गया मेरा राइट वाला पैर मैंने उठाया फिर बाहर को ले गई अब जब मैं बाहर को ऐसे तिरछा ले जाऊंगी तो मेरी कमर भी निकलेगी और कोशिश करनी है आपको निकालने की वन पैर टू वन टू अब हाथ के साथ देखिए टू हाथों के साथ क्या होता है ना देखिए मैं हाथ के साथ तो आपको बताऊंगी बताऊंगी बट बता अभी नॉर्मली मैं बता रही हूँ तो हाथ के साथ आप कर रहे हैं ना तो आपकी नॉर्मली नेचुरली कम कमर और हाथ पैर खुद ही चलने लगेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम पैर ही चलाएंगे तभी तो हमारा डांस स्टार्ट होगा खाली खाली हम खड़े खड़े नहीं कर सकते ना तो अब मैंने कैसे बताया आपको थोड़ा सा आप अपना घुटना उठाएंगे बाहर को निकालेंगे विद कमर फिर उठाएंगे फिर पीछे और जब पीछे जा रहे ना ये देखिए आपको मैं ऐसे करके दिखाती हूं वन टू कमर बाहर को वन टू ओके वन टू बाहर को बहुत स्लो कोई स्लो डांस करना है आपने पास्ट भी कर सकते हो आप ये ये पास्ट भी कर सकते हो पर अभी मैं फिलहाल स्लो से शुरुआत कर रही हूँ ठीक है मेरे उस रिपोर्ट से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आपके देखिए कितना इंप्रूवमेंट आ गया होगा इतना ही करते करते बेसिक स्टेप यही होते हैं जो मैंने बताए हैं दो और बाकी ये इसी के प्रैक्टिस करते रहिए काफी कमर चलाना आप सीख जाए दस मिनट भी अपने लिए निकालिए और प्रैक्टिस करते रहिए आप इसी से ही कमर चलाना सीख जाएंगे बाकी जो भी नए कमर वगैरह है मेरी आगे की सीरीज में आपको मिलती रहेगी कमर हाथों के स्टेप पैरों के मूवमेंट एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज सब आपको मिलेगा बट धीरे धीरे स्लोली इस सीरीज को फॉलो करते रहिए आप जरूर डांस सीख जाएंगे तो जो यहाँ तक मेरी वीडियो में पहुंचा थैंक यू सो मच अगर आप डांस सीख रहे हैं तो और आप डांस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो भी मैं नई वीडियो डालू उसका देखिए काफी लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते ना लाइक करते ना कमेंट करते तो प्लीज जरूर करिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज मिलती रहेंगी और आप भी ऐसे सीखते रहिए मेरे साथ तो चलिए मैं अपनी वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट डांस ट्यूटोरियल में तब तक के लिए बाय